फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट द रेट ओले एकेडमी नांदेड। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ओके, फोर्स एंड प्रेशर। सो व्हाट इज फोर्स बेटा? व्हाट इज फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल लगाते हैं तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। यानी कि उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, पुश और पुल एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। पुश और पुल एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। ओके, सो राइट डाउन, व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। इट्स कॉल्ड एज फोर्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, एफ इज फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ। ओके, एफ इज इक्वल्स टू मास इज डिनोटेड बाय एम एंड एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। सो एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है हम मैग्नेट डायरेक्शन के बेस पे ऊपर फिजिकल क्वांटिटी दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं होती है या उसको जरूरत नहीं होती है डायरेक्शन की, उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन की नीड होती है यानी जरूरत होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट हैज डायरेक्शन। ओके, फोर्स हैज अ डायरेक्शन। ओके, सो इसका एसआई यूनिट क्या बनता है? फोर्स का एसआई यूनिट हम बनाएंगे यहाँ पे एसआई यूनिट। नॉर्मली हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं, नंबर वन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड अनदर वन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सो एसआई यूनिट इसका बन जाएगा, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट क्या बनता है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको केजी मीटर पर सेकंड, इसको पूरे को मिला के हम इसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। ओके, सो एसआई यूनिट बिकम्स न्यूटन। और इसका सिंबल है कैपिटल एन। इस साइड क्या बन गया? न्यूटन। और सिंबल कैपिटल एन। और मैंने दूसरा जो सिस्टम बताया, सॉरी हाँ सिस्टम ऑफ यूनिट बताया, उसको बोला सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट यानी सीजीएस यूनिट। तो इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन, डी वाई यानी डाइन। ओके, डाइन नहीं बोलना, क्योंकि डाइन बोला तो आपको लोगों को पता है डाइन क्या होता है ना, लेडीज भूतनी है ना, चुड़ैल बोलते हैं इसको, चुड़ैल। तो डाइन मत बोलो, डाइन बोलो। क्या बोलो? डाइन। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लेंथ का यूनिट होता है मीटर और सीजीएस यूनिट बनता है सेंटीमीटर। सो वन मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सो के वो कन्वर्जन फैक्टर हमारा 100 बन गया। सो यहाँ पे वन न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? दोनों का कन्वर्जन फैक्टर बनता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। सॉरी डाइन। ओके, क्या 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डाइन।